आज बात करते हैं ग्रामर के दो बहुत ही खूबसूरत शब्दों की, बीन और बींग। यकीन माने अगर आप इन शब्दों को नहीं अच्छे से जानते हैं तो कहीं ना कुछ तो आप रोज़ गलत बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत ही एक्टिवली यूज़ होते हैं ये दोनों वर्ड्स हमारी एवरीडे इंग्लिश कॉन्वर्जेशंस में, ईमेल्स लिखते समय, मतलब अगर हमें अपनी रिटन इंग्लिश इम्प्रूव करनी है तब भी हमें ये वर्ड्स आने चाहिए। और अगर आप यू नो बुक्स रीड करने का शौक़ रखते हैं तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि बहुत फ्रीक्वेंटली बीन और बींग वर्ड्स यूज़ होते हैं, और आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि ये दोनों शब्द एग्जैक्टली सेंटेंस में क्यों आते हैं, इनकी ज़रूरत ही क्या है। ये सारे डाउट्स आज क्लियर करेंगे। ये है हमारा पैसिव वॉइस का पार्ट टू। इसका मतलब ये दोनों वर्ड्स पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं। और हमारे स्पोकन इंग्लिश कोर्स का 36th डे ये कोर्स आपको प्रेजेंट किया है ओशन इंग्लिश अकेडमी ने। फ्री में इंग्लिश सीखने के लिए आप हमारा पूरा स्पोकन इंग्लिश कोर्स अटेंड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हमारे पेड कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखिए, जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज जर्नी है ना, जो इंग्लिश सीखने का सफ़र है, उसमें पैसिव वॉइस का घर टेंसेस के बाद आता है। मतलब पहले हमें टेंसेस से थोड़ी दोस्ती करनी पड़ेगी, उसके बाद ही ये पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होगा। अब ये सेंटेंसेस देखिए, यहाँ पर पहला है, अभी रूम साफ हो रहा है, उसको मजबूर करा जा रहा है शादी करने के लिए, उसको जॉब से निकाल दिया, या फिर जब मैं वहाँ पहुँचा तो खाना ख़त्म हो गया था। इन सभी सेंटेंसेस में एक चीज़ कॉमन है, वो ये कि हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम इन्हें टेंसेस के रूल्स यूज़ कर नहीं बना सकते। अगर बनाएंगे तो गलत इंग्लिश आएगी। और दूसरी कॉमन चीज़ क्या है कि इन सभी सेंटेंसेस में ना एक सस्पेंस है, काम किसने करा है वो हमें पता ही नहीं है। देखिए, अभी रूम साफ़ हो रहा है सर, आपने मुझे बताया कि मैम अभी ना रूम साफ़ हो रहा है, आप वेट कर लीजिए, तो मुझे ये तो पता चल गया कि काम क्या हो रहा है, पर ये सस्पेंस है कि यार कौन सफाई कर रहा है। हो सकता है ये बताना ज़रूरी ही ना हो कि कौन सफाई कर रहा है। तो ये सेंटेंसेस थोड़े टेढ़े हैं, ये एक्टिव में नहीं है, ये पैसिव में है। पैसिव में हम पूरा का पूरा फोकस अपना क्रिया, काम पर करना चाहते हैं, ना कि कर्ता पर। सेकेंड सेंटेंस, उसको मजबूर करा जा रहा है शादी करने के लिए। कौन मजबूर कर रहा है, सस्पेंस में है, हमें नहीं पता कौन मजबूर कर रहा है, या मे बी हम बताना नहीं चाहते कि उसके पेरेंट्स उसको मजबूर कर रहे हैं, तो हमने कहा पैसिव में बना देते हैं, उसको मजबूर करा जा रहा है कि शादी कर लो, उसको जॉब से निकाल दिया। किसने जॉब से निकाला पता नहीं, बॉस का नाम क्या था, या कौन सी टीम ने एग्जैक्टली उसकी गलती पकड़ी और उसको नौकरी से निकाल दिया, बस हमें ये पता है कि वो अब जॉब पर नहीं आएगा। किसने निकाला नहीं पता, जब मैं वहाँ पहुँचा खाना ख़त्म हो गया था, किसने खाया खाना, लोगों ने खाया, पर हम कभी भी हिंदी में ऐसे नहीं बोलेंगे ना, जब मैं वहाँ पहुँचा लोग ऑलरेडी सारा का सारा खाना खा चुके थे और मुझे कुछ नहीं मिला। हम सिंपल इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे कि खाना ख़त्म हो चुका था, कोई काम हो चुका था, पर उस काम को किसने करा ये हमने बताया ही नहीं है। ये है आइडेंटिटी पैसिव वॉइस की। वैसे आई एम श्योर आपने पार्ट वन में इसको अच्छे से मेरे साथ समझ लिया हो। आज बात करेंगे हम पांच टेंसेस की, जिन्हें एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको ऑलरेडी पता है कि हम इज एम आर यूज़ करते हैं और वर्ब में लगाते थे हम आई एन जी, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम ध्यान रखते थे। पर जब इसको पैसिव वॉइस में लेकर आएंगे तो हमें बस दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला ये कि वर्ब की थर्ड ही फॉर्म यूज़ होगी, क्योंकि पैसिव वॉइस ने पहले ही रूल स्टैब्लिश किया हुआ है कि किसी भी सेंटेंस में अगर डूअर नहीं है, आप बता नहीं रहे हो कि डूअर कौन है, तो आप वर्ब की थर्ड ही फॉर्म यूज़ करोगे। पर यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस ने कहा कि भाई देखो, मेरी पहचान आईएनजी से है, आप आईएनजी को ऐसे कैसे छोड़ दोगे, वही तो बताता है कि काम चल रहा है। तो क्या डिसाइड हुआ, ग्रामर ने क्या डिसाइड किया कि भाई ऐसा करो, इसको आईएनजी बी के साथ लगा कर दे दो, तो ये बन गया बीइंग। इसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस में सेम रूल है, वॉज वर यूज करते हैं आप सब्जेक्ट के बाद, पर ये बताने के लिए कि सेंटेंस पैसिव में है, फोकस हमारा क्रिया पर है, कर्ता पर नहीं, तो यहाँ पर भी बीइंग लगाया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। सेंटेंसेस से ध्यान से समझते हैं। देखिए, सर अभी रूम साफ हो रहा है, यहाँ पे ये मैडम रूम को अच्छे से क्लीन कर रही हैं, साफ़ कर रही हैं, पर हमें ये नहीं बताया कि मैडम साफ़ कर रही हैं, हमें कहा कि रूम साफ़ हो रहा है। अब अगर हम कहें
मैं नहीं पढ़ूंगा पैसिव वॉइस, मुझे तो ये बिल्कुल यूजलेस लगता है। तो हमने सिंपल टेंसेस की हेल्प से ट्रांसलेशन करी, सर द रूम इज क्लीनिंग एट द मोमेंट, ये याद कर ले, एट द मोमेंट मतलब इस समय, एट द मोमेंट, एट द मोमेंट। तो सर द रूम इज क्लीनिंग एट द मोमेंट, अब अगर ध्यान से देखेंगे तो इसका मतलब क्या निकल कर आएगा कि रूम सफाई कर रहा है, क्योंकि जब आप कहते हो आई एम सिंगिंग उसका मतलब होता है मैं गाना गा रहा हूँ, आई एम डांसिंग मैं डांस कर रहा हूँ, रूम इज क्लीनिंग इसका मतलब रूम सफाई कर रहा है। 100% ब्लंडर, बहुत बड़ी मिस्टेक हम करेंगे अगर हमें पैसिव वॉइस के रूल्स नहीं आते होंगे। रूल्स में हमें क्या चेंजेस करने हैं, हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद हमने बीइंग लगा दिया और वर्ब की लगा दी थर्ड फॉर्म, जहाँ पर क्लीनिंग था वहाँ पर हमने क्लीन्ड कर दिया और एक एडिशनल वर्ड आ गया बीइंग। तो आप कंटिन्यूअस फैमिली में एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए सेंटेंस को बीइंग वर्ड को यूज़ करते हैं। तो हमारी सही ट्रांसलेशन आई है सर द रूम इज बीइंग क्लीन्ड एट द मोमेंट, आप एक बार इसको सुने और बोलने की कोशिश करें मेरे साथ, सर द रूम इज बीइंग क्लीन्ड एट द मोमेंट, सो कुड यू प्लीज़ वेट फॉर 5 मिनट्स। अब आपके लिए एक होमवर्क, मैं गलत सेंटेंस बनाऊंगी, आप उसको सही से ट्रांसलेट करके कमेंट सेक्शन में या अपनी नोटबुक में लिखिएगा। मेरे घर पर पेंट हो रहा है, माई हाउस इज पेंटिंग, गलत है ना, घर तो कभी पेंट नहीं कर सकता ना, घर के हाथ पैर थोड़ी है कि वो पेंट करे, माई हाउस इज पेंटिंग, मेरे घर पर पेंट हो रहा है। इसके बाद बस आपको पेंट को पेंटेड करना है और बिल्कुल सही ट्रांसलेशन आ जाएगी। अब दूसरा सेंटेंस, उसको शादी करने के लिए मजबूर करा जा रहा है। अब देखो ये लड़की है, ये बेचारी किसी को कोई टेंशन नहीं दे रही है, ये किसी को कोई मजबूर नहीं कर रही है, ये तो खुद बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि लोग इसको फोर्स कर रहे हैं कि भाई शादी करो शादी करो, तो अब ये परेशान है। पर हमें तो इंग्लिश बनानी है, हमें तो ये बात बतानी है किसी को मैसेज के थ्रू, तो हमने कहा यार शी इज़ फोर्सिंग लगा दूँ, शी इज़ टॉर्चरिंग लगा दूँ, नहीं नहीं इसका मतलब तो ये हो जाएगा कि शी इज़ फोर्सिंग मतलब ये किसी और को फोर्स कर रही है, पर ये बेचारी किसी को फोर्स नहीं कर रही, इसी को फोर्स करा जा रहा है, इसलिए पैसिव वॉइस के रूल लगाए, बीइंग लगा दिया, फोर्सिंग जहाँ लगा रहे थे उसको फोर्स्ड कर दिया। तो सेंटेंस बना शी इज़ बीइंग फोर्स्ड किस चीज़ के लिए, टू गेट मैरिड। अगर आपका मन करता है तो आप बाय वर्ड को यूज करके डूअर को एंड में लगा सकते हैं, वो ऑप्शनल है, पर तब भी ये सेंटेंस पैसिव में ही रहेगा। डूअर है पर कम इम्पॉर्टेंट है तो उसको कोने में आखिरी में पटक दिया है हमने, तो इंग्लिश आ गई शी इज़ बीइंग फोर्स्ड टू गेट मैरिड। अब आप ट्रांसलेट करें, मुझे झूठ बोलने के लिए मजबूर करा जा रहा है, मुझे झूठ बोलने के लिए मजबूर करा जा रहा है। सेम रूल सेम इक्वेशन पर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अब पास्ट कंटिन्यूअस पर आते हैं, जहाँ इज लगाते थे वहाँ वॉज वर्ड लगाएंगे क्योंकि बीत गया है, काम ऑलरेडी हो चुका है। अब देखिए मेरी कार रिपेयर हो रही थी, तो जब आपने मुझे कॉल किया ना मेरी कार रिपेयर हो रही थी, तो मैं यू नो मैकेनिक से बात कर रहा था, तो मैं इसलिए कॉल पर आपसे अच्छे से बात नहीं कर पाया। अच्छा जहाँ पर कार रिपेयर होती है आप उसको इंग्लिश में कार सर्विस स्टेशन भी बोल सकते हैं, कार सर्विस सेंटर या फिर कार सर्विस स्टेशन। अब देखिए क्या हुआ रूल में चेंज, सिंपल है, हमें बस बीइंग लगाना है क्योंकि कॉन्टिन्यूस फैमिली ने अपने लिए लड़ाई करके कहा कि भाई मेरे को बीइंग चाहिए। बीइंग यहाँ पर ये बता रहा है कि कोई काम चल रहा था, रहा का काम करने के लिए बीइंग आया है, और क्योंकि डूअर नहीं पता, हमने ये नहीं बताया कि भाई कौन से जेंटलमैन हमारी गाड़ी को रिपेयर कर रहे थे, इसीलिए पैसिव वॉइस में है, तो रिपेयरिंग ना लगाकर रिपेयर्ड लगाया है। सेंटेंस क्या बना है, माय कार वाज बीइंग रिपेयर्ड दैट्स व्हाई आई कुडंट टेक योर कॉल या आई कुडंट टॉक टू यू, पर इंग्लिश है मेरी गाड़ी रिपेयर हो रही थी, माय कार वाज बीइंग रिपेयर्ड। अब आप बनाएं, उसका इंटरव्यू चल रहा था, ही वाज बीइंग, बस इंटरव्यू की थर्ड फॉर्म यूज करिएगा और पूरा सेंटेंस सही होगा, उसका इंटरव्यू चल रहा था या फिर उसको पनिशमेंट दी जा रही थी। ऑल द बेस्ट। एक और सेंटेंस देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस का,
कंटिन्यूअस ओके, उसको हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे। कौन लेकर जा रहा था हॉस्पिटल, फिर से नहीं पता हमें कि भाई कौन ले जा रहा था, या हमें बताना नहीं है। तो पैसिव वॉइस में करने के लिए वॉज के बाद बींग लगाया और टेक की लगा दी थर्ड फॉर्म। ही वॉज बींग टेकन टू द हॉस्पिटल, एक बार साथ में पढ़कर रिपीट करते, ही वॉज बींग टेकन टू द हॉस्पिटल। When I got there, he was being taken to the hospital. अब आप एक सेंटेंस ट्रांसलेट करें, जब मैं वहाँ गया तो उसका ऑपरेशन हो रहा था। कौन ऑपरेशन कर रहा था? डॉक्टर साहब। पर हमने कहा कि ऑपरेशन हो रहा था जब मैं हॉस्पिटल पहुँचा। He was ऑपरेशन ऑपरेटेड, ऑल द बेस्ट। प्रैक्टिस करते रहें साथ में, और अगर आपके माइंड में कोई और सेंटेंस आता है तो प्लीज़ उसको भी कोशिश करें ट्रांसलेट करने की। बीम पर आएंगे एक छोटे से ऐड के बाद। आज की वीडियो को आपके लिए स्पॉन्सर किया है वंडरशेयर डेमो क्रिएटर ने, अपने एक बहुत ही खूबसूरत सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताने के लिए। देखिए गाइस, हो क्या रहा है, हम एक वर्चुअल वर्ल्ड में जी रहे हैं जहाँ पर हम इस दुनिया को सिर्फ वीडियोस के थ्रू ही तो जान रहे हैं, है ना। तो क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर हमें भी फ्यूचर का पार्ट बनना है तो दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल्स जो हमें आने चाहिए वो हैं वीडियो मेकिंग एंड वीडियो एडिटिंग। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम वीडियो इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि हमारे पास बहुत महंगा सेटअप नहीं होता, पर डेमो क्रिएटर, वंडरशेयर डेमो क्रिएटर आपको फ्रीडम देता है कि आप बस एक लैपटॉप की हेल्प से वीडियोस बना सकते हैं। छोटा सा इसका रिव्यू और फिर वीडियो वापस से शुरू करते हैं। डेमो क्रिएटर की हेल्प से एजुकेशनल वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। करना आपको बस इतना है कि पावर पॉइंट में एक प्रेजेंटेशन बनाएं जो भी आप पढ़ाना चाहते हैं उसकी, और उसके बाद डेमो क्रिएटर का स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करें जो आपकी ऑडियो, वीडियो और लैपटॉप की पूरी स्क्रीन, तीनों चीज़ों को एक ही टाइम पर रिकॉर्ड करके वीडियो में कन्वर्ट कर देगा। और बस वर्ल्ड के साथ अपनी नॉलेज शेयर करना शुरू करें। इन अ सिमिलर फैशन यू कैन वीडियो रिकॉर्ड योर ऑनलाइन classes, your Zoom meetings and your gaming videos. And wait, this is not all. Demo Creator also allows you to edit all sort of videos free of cost. Software ko download karne ke liye, please follow the link in the description box. Wondershare Demo Creator ko collaboration ke liye haan bolne se pehle, main kam se kam 100 sponsorships ko mana kar chuki hoon. Kyunki main sach mein chahti hoon guys ki aap kisi bhi form mein video making aur video editing, ye dono skills seekhein. Kahin na kahin aapko zaroor kaam aayenge. खैर, अब आते हैं पैसिव वॉइस के इस टेंस पर जो है परफेक्ट फैमिली, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। अब देखो, इन टेंसेस को अगर हमें पैसिव वॉइस में लेकर जाना है तो फिर से बस दो ही रूल चाहिए। थर्ड फॉर्म आएगी, ये तो हमें अभी तक याद हो चुका है, पर बीन क्यों आया ये समझते हैं। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट के पास ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है ना। आप कहते हो ही हैज़ कम, कम क्या है, कम केम, कम, कम की थर्ड फॉर्म। आई हैव कम्प्लीटेड माई होमवर्क, कम्प्लीटेड क्या है, कम्प्लीट की थर्ड फॉर्म। तो प्रेजेंट परफेक्ट ने कहा कि यार मेरे पास ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, मुझे वो भी चाहिए, और थर्ड फॉर्म तो आप सबको बांट रहे हो, तो रूल बन गया कि बी की थर्ड फॉर्म दे देते हैं प्रेजेंट परफेक्ट फैमिली को। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, इन तीनों फैमिलीज को बीन दे देते हैं ये बताने के लिए कि ये सेंटेंस पैसिव में है, इसमें डूअर ऑफ द एक्शन की बात नहीं है, एक्शन की बात है, वर्ब की बात है। तो रूल बन गया आपका कि आप हैज हैव के बाद बीन लगाएंगे, सिंपल। हैड के बाद आप बीन लगाएंगे जैसे आप पहले लगाते थे, हैड के बाद थर्ड फॉर्म, इस बार बस बीन एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट में हम विल हैव यूज करते थे, एक एक्स्ट्रा वर्ड, फिर से बीन आ गया और रूल्स हमारे बिल्कुल तैयार है। क्या याद रखना है कि अगर हमें परफेक्ट फैमिली को एक्टिव से पैसिव में लेकर जाना है तो बस एक नया वर्ड उसमें इंट्रोड्यूस करना है, वो है बीन। कंटिन्यूअस फैमिली में हमने बीइंग, बी की आईएनजी यूज करी थी, और परफेक्ट फैमिली में हम बी की थर्ड फॉर्म बीन, एक एक्स्ट्रा वर्ड यूज करेंगे, और आपका सिंपल सॉर्टेड सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट। अब देखिए, उसको जॉब से निकाल दिया गया है, बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही सेंटेंस बना है। तो ही हैज बीन फायर्ड, भाई उदास है। भाई उदास क्यों है, क्योंकि भाई को नौकरी से निकाल दिया। ही हैज बीन फायर्ड, किसने निकाला नौकरी से ये नहीं पता हमें, हमें तो बस ये कहना है कि भाई नौकरी से निकाल दिया।
आपके अकाउंट में पैसे डाले गए हैं, ये सबसे प्यारा मैसेज है ना। हम सबको बड़ी खुशी होती है जब हमारे अकाउंट में कहीं से पैसा आता है और हमारे पास एक प्यारा सा मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज़ बिन क्रेडिटेड विद एक्स वाई जी अमाउंट। सबसे सुकून भरा मैसेज कि पैसा आया है। उस सेंटेंस को भी आप जाकर अगर देखेंगे अपने मैसेज इनबॉक्स में, तो आप देखोगे कि योर अकाउंट हैज़ क्रेडिटेड नहीं है, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड। आपके अकाउंट में पैसे डाल दिए गए हैं। किसने डाले हैं? अब वो हमें पता है कि हमने कहाँ काम करा है, कहाँ से एग्जैक्टली हमें काम करने के बाद पैसे मिले हैं, सैलरी भी हो सकती है। नेक्स्ट सेंटेंस, जब हम आए रूम क्लीन नहीं हुआ था। पास्ट परफेक्ट है ना, एक काम पूरा नहीं हुआ था दूसरे काम के होने से पहले। जब हम वहाँ गए रूम साफ नहीं हुआ था, हम पूरे पैसे नहीं देंगे क्योंकि हमें अच्छी सर्विसेज नहीं मिली। तो द रूम हैड नॉट बीन क्लीन्ड व्हेन वी अराइव्ड और व्हेन वी गॉट देयर। क्या एक्स्ट्रा चेंजेस किए हैं हमने? हैड नॉट के बाद बीन लगा दिया है। द रूम हैड नॉट बीन क्लीन्ड व्हेन वी अराइव्ड या व्हेन वी रीच्ड देयर। तो हमें अच्छी सर्विसेज नहीं मिली और सर्विस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि हमें वेट करना पड़ा था। वी हैड टू वेट बिकॉज व्हेन वी गॉट देयर द रूम हैडन्ट बीन क्लीन्ड। किसने नहीं साफ किया रूम वो नहीं पता। हम अपनी कंप्लेन बता रहे हैं कि काम क्या नहीं हुआ था। काम क्या नहीं हुआ था कि रूम को अच्छे से साफ़ नहीं करा गया था जब हम वहाँ पहुँचे, तो उसलिए हमें वेट करना पड़ा था। और उन्होंने मुझे बोला कि सर योर रूम इज़ बीइंग क्लीन, सो कुड यू प्लीज़ वेट फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स। और तब मुझे गुस्सा आया। अब मैं चेकआउट के टाइम पर उस बात को मेंशन कर रहा हूँ कि व्हेन वी गॉट हियर द रूम हैडन्ट बीन क्लीन्ड एंड वी हैड टू वेट फॉर एक्स्ट्रा 10 to 20 minutes। दैट वॉज रियली डिसअपॉइंटिंग। ओके, पास्ट परफेक्ट का एक और बहुत ही प्यारा सेंटेंस, इवन मैं कमेंट सेक्शन में पढ़ रही थी, किसी ने लिखा भी था कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो भंडारा ख़त्म हो चुका था। जब मैं वहाँ पहुँचा खाना ख़त्म हो चुका था। अब देखो, आप कहोगे कि मैम भंडारा ख़त्म हो चुका था, इसको कैसे बोले इंग्लिश में? मैं आपको सच बताऊँ, मुझे भी नहीं पता कि भंडारे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। मैं चाहूँ तो पता लगा सकती हूँ, पर मैं यहाँ पर क्या करूँगी? मैं करूँगी कि यार भंडारे को हटा देते हैं, फूड लगा देते हैं। मैं अपने इंग्लिश सीखने के एक्सपीरियंस को आसान बनाना है, उसे मुश्किल नहीं बनाना है। अगर भंडारे की इंग्लिश नहीं पता तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरा सेंटेंस ही हिंदी में बोलेंगे। नहीं, जो काम चलाओ वर्ड उस टाइम याद आ रहा है उसको यूज़ करके सेंटेंस पूरा करना है। यहाँ आपको मिलते हैं पूरे 100 marks। तो सेंटेंस है, जब मैं वहाँ पहुँचा खाना ख़त्म हो चुका था। व्हेन आई गॉट देयर, गेट मतलब रीच, गेट के ऊपर पूरी वीडियो है आपके पास डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर देखें नहीं देखी है तो। गेट की सेकंड फॉर्म हमने यूज़ करी है गॉट। व्हेन आई गॉट देयर, जब मैं वहाँ पहुँचा खाना ख़त्म हो चुका था। द फूड हैड बीन फिनिश्ड, किसने खाया था? ऑब्वियसली जो पहले भुक्कड़ लोग आए थे वो ही सारा का सारा खाना खा गए, पर हम उनकी बात नहीं करेंगे। हम तो बस ये कहेंगे व्हेन आई गॉट देयर द फूड हैड बीन फिनिश्ड, सो आई एम हंग्री, कुड यू प्लीज़ कुक समथिंग फॉर मी, या फिर कुड यू प्लीज़ ऑर्डर समथिंग ऑनलाइन फॉर मी, मेरे लिए कुछ तो मंगा दो या कुछ बना दो। अब देखिए, जब आप किसी भी YouTube चैनल से इंग्लिश सीख रहे हैं, मेरे साथ किसी भी प्यारे चैनल के साथ आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तब एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जो सेंटेंसेज वो आपको पढ़ा रहे हैं, जो टीचर आपको सेंटेंस पढ़ा रहा है, हमेशा उसके बाद एक सेंटेंस खुद से अपने दिमाग से बनाने की कोशिश करें कि अच्छा इसके बाद का सेंटेंस क्या होना चाहिए। इससे आपकी क्रिएटिविटी बूस्ट होगी, आपका लैंग्वेज के ऊपर कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, आपकी नॉलेज बस वहीं तक लिमिटेड नहीं रहेगी जो हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं। नॉलेज एक्सपैंड होगी, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो आप इस सेंटेंस को पूरा करें, जब मैं वहाँ पहुँचा खाना ख़त्म हो गया था, तो इसीलिए। अब आप कुछ भी अपनी क्रिएटिविटी से यूज़ करें और इस सेंटेंस को कंप्लीट करें। ओके, लास्ट सेंटेंस आज की वीडियो का, ये काम कल तक पूरा हो चुका होगा। अब देखो, सर को तो काम करना आता नहीं है, ठीक है, मे बी एप्लीकेशन डेवलप करनी है, सर को नहीं आती है, पर सर बहुत खुश हैं कि उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। तो सर ये बोल रहे हैं क्लाइंट को कि सर आप चिंता मत करो, कल तक काम पूरा हो चुका होगा। कौन करेगा? जो इनके टीम मेंबर्स हैं वो बेचारे काम पूरा करेंगे। तो पर उनके बारे में कुछ बात नहीं करिए, बात करिए कि काम पूरा हो जाएगा। आपको भी तो यही जानना है ना कि काम बस पूरा हो जाए, चाहे उसे कोई भी पूरा करे। तो दिस वर्क विल हैव के बाद बस एक्स्ट्रा एक वर्ड ऐड करा है बीन, और सेंटेंस हमारा एक्टिव से आ गया पैसिव में। सर दिस वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय
tomorrow. This work will have been completed by tomorrow. एक और homework sentence आपके लिए, और वो ये है कि सर आपको कल तक सारी reports भेजी जा चुकी होंगी, या हम कल तक आपको सारी reports भेज देंगे. फ्यूचर परफेक्ट टेंस की आइडेंटिटी क्या थी, आपने मेरे साथ टेंसेस में पढ़ा था कि कोई भी काम फ्यूचर में पूरा हो चुका होगा. तो वी विल हैव सेंट यू द रिपोर्ट्स, और द रिपोर्ट्स विल हैव बीन सेंट टू यू. आपको प्रोडक्ट कल तक डिलीवर कर दिया जाएगा. कौन डिलीवर करेगा, ये बात आपको चैट डिपार्टमेंट से पता चली कि भाई आपका प्रोडक्ट कल आ जाएगा, पर जो डिलीवर करेगा वो डिलीवरी बॉय होगा. तो उसकी इंग्लिश आएगी कि सर आपका प्रोडक्ट कल तक आपको डिलीवर हो जाएगा. ट्रांसलेट करें, कोशिश करें, प्रैक्टिस करते रहें. मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में. टेंसेस नहीं सीखे हैं तो जाओ टेंसेस सीख लो, पूरी प्लेलिस्ट है आपके लिए. वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं करा है तो बहुत ही गलत बात है. वीडियो को लाइक करो, उससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि ना आप लोग मेरे साथ मेहनत से पढ़ रहे हो, पसंद कर रहे हो जो काम मैं आपके लिए कर रही हूँ. मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन टैग्स के साथ. ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग.